हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। थ्री फेज मोटर में एफिशिएंसी क्या होती है और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, एफिशिएंसी को निटा से दर्शाते हैं, जिसमें कि एफिशिएंसी को शॉर्ट में निटा लिखते हैं, या फिर एफिशिएंसी का सिंबल निटा होता है, जिसे हम निटा बोलते हैं। और निटा यह एन टाइप में होता है इस तरह से। तो दोस्तों, इसमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, जो कि एफिशिएंसी बराबर वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। एफिशिएंसी निटा बराबर वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट इनटू परसेंट में निकालने के लिए इनटू 100 से गुणा करते हैं, जिसमें कि आउटपुट पावर होती है किलोवाट या फिर एचपी में होती है पावर, जो कि आउटपुट पावर होती है मोटर की। मोटर की जो इनपुट पावर होती है वो होती है वोल्टेज इनटू एम्पियर इनटू पावर फैक्टर। तो इसमें हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए फोर पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, जिसमें कि एक होता है पावर, जो कि आउटपुट पावर होता है, और एक होता है वोल्टेज एम्पियर और कोस थीटा या फिर पावर फैक्टर, जो कि इनपुट पावर होता है। यदि ये चारों पैरामीटर्स हमें पता है तो हम इसमें एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें वोल्टेज एम्पियर पावर फैक्टर पता होना चाहिए, और मोटर कितने एचपी की है, कितने किलोवाट की है, यह भी हमें पता होना चाहिए। ये चारों पैरामीटर्स हमें यदि पता है तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास ये पैरामीटर्स है, जिसमें कि वोल्टेज है 415 वोल्टेज, जो कि थ्री फेज वोल्टेज है लाइन टू लाइन, और एम्पियर है 20 एम्पियर, और पावर फैक्टर है 0.9, और पावर जो है मोटर की रेटिंग पावर किलोवाट में है 11 केवी, जिसे हम वाट में कन्वर्ट करने के लिए 11 को 1000 से गुणा करेंगे, जिससे कि 11000 वाट हो जाएगा, जिससे कि पावर है 11000 वाट। और इसमें हमें एफिशिएंसी ज्ञात करनी है, और हमें इसमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो वो फॉर्मूले से निकाल लेते हैं कितनी एफिशिएंसी की मोटर है। और यह पैरामीटर्स हमें मोटर की नेम प्लेट पर मिल जाते हैं, जिसमें कि वोल्टेज एम्पियर पावर फैक्टर और पावर एफिशिएंसी, यह सभी मोटर की नेम प्लेट पर अंकित होते हैं। तो दोस्तों, इसमें एफिशिएंसी निकालने के लिए आउटपुट पावर है, जो कि 11 किलोवाट है, जिसे हमने वाट में कन्वर्ट कर दिया 1000 से गुणा करके, जो कि 11000 वाट हो गया। और इनपुट पावर है, जो कि 415 वोल्टेज है, जिसे हमने √3 से गुणा करना होता है। थ्री फेज में हमें √3 से गुणा करना होता है, सिंगल फेज में हमें √3 से गुणा नहीं करना होता है। तो इसमें यह थ्री फेज की मोटर है, थ्री फेज की रेटिंग है 415 वोल्टेज, तो इसे √3 से गुणा कर लेते हैं, और 20 एम्पियर हो गया, और इंटू 0.9 पावर फैक्टर हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर यह है 12938.42, और 11000 वाट इंटू 100, और 11000 वाट में 12938.42 का भाग देने पर यह आया 0.85 इंटू 100 यहाँ आ गया। और इसमें परसेंट में निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है, जिससे कि इसमें मोटर की एफिशिएंसी आई है 85%। और दोस्तों, किसी भी मोटर या मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, क्योंकि मोटर या मशीन्स में कुछ लॉसेस होते हैं, जिसमें कि आयरन लॉस, कॉपर लॉस या फिर फ्रिक्शन लॉस होता है, जिनकी वजह से हमें मोटर की एफिशिएंसी 100% नहीं मिलती है। मोटर की आउटपुट जो एफिशिएंसी होती है वह कम ही एफिशिएंसी होती है, 0.8, 0.9 या फिर 0.95 एफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन 100% एफिशिएंसी कभी भी किसी मोटर की या फिर मशीन्स की एफिशिएंसी नहीं होती है। और दोस्तों, यदि हमारी कोई मोटर 11000 वाट की मोटर है, तो उसे हमें एचपी में बदलना है, तो एचपी में बदलने के लिए 735 का भाग देना होता है, 735 से डिवाइड करना होता है, जिससे कि 11000 में 735 का डिवाइड करने पर यह आता है 14.97 एचपी, लगभग 15 एचपी। 11000 वाट में लगभग 15 एचपी की मोटर है यह, और एचपी को वाट में कन्वर्ट करने के लिए, वाट में बदलने के लिए एचपी को 735 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि वाट में बदल जाता है। और 1000 वाट में 1 किलोवाट होता है, और 735 वाट में 1 एचपी होता है। तो दोस्तों, इसी तरह से हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।